रानीगंज, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं। साल में यूपी में कोई दंगे का नाम सुना? आज यूपी में दंगा नहीं होता है, क्योंकि दंगा कोई करेगा तो सात पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरती भरपाई नहीं कर पाएंगे। दंगा मुक्त प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया, भय मुक्त वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और भाइयों बहनों, अभी तो ये शुरुआत है। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के साथ जो कार्य होने जा रहे हैं, हमने तय किया है कि अभी तो फ्री में राशन दे रहे हैं। भाइयों बहनों, फ्री में भी राशन है, याद करना। अभी सरकार ने तय किया है कि हर होली और दीपावली में उज्ज्वला रसोई गैस के पात्र जितने लोग हैं, इनको दो रसोई गैस के सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। 60 साल से उम्र की हर माता बहन को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। हमने प्रदेश के अंदर बेटी के जन्म लेते ही बेटी के साथ कोई भेदभाव न करे, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। बेटी के जन्म लेते ही हम लोग बेटी की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए का पैकेज देते हैं, स्नातक तक फ्री में उसको शिक्षा की व्यवस्था भी है। अब ये 15,000 की राशि को बढ़ा करके 25,000 करने जा रहे हैं। और गरीब कन्याओं की शादी के लिए भाइयों बहनों, अब तक 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाता था, हमने तय किया है इसको अब आने वाले समय में 1,00,000 रुपया करेंगे। याद करिए, उत्तर प्रदेश के नौजवान 2017 के पहले नौकरी निकलती थी, सिपाही खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था ना, और कोर्ट उसको स्टे करता था। आज भाइयों बहनों, सरकार ने तय किया है आने वाले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। वर्तमान में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से, हमने भी तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद इसकी संख्या बढ़ा के 2 करोड़ करेंगे। और स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक करने वाले हर युवा को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देंगे, और जो खर्चा आएगा वह सरकार वहन करेगी। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए जो भी खर्चा आएगा उसको सरकार वहन करेगी। अयोध्या दुनिया की सुंदर नगरी बन रही है, सजग रही है। और भाइयों बहनों, सुंदर नगरी जब बने तो गोसाईगंज का योगदान भी उसमें दिखना चाहिए। बीजेपी सरकार बनाएगी, इसमें संदेह किसी को नहीं है, लेकिन सरकार
दमदार बननी चाहिए, दमदार। सपा बसपा की सरकार तो दमदार थी, दंगाइयों के सामने झुक जाती थी। सपा की सरकार के समय 700 दंगे और बसपा की सरकार के समय 367 दंगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भाइयों बहनों एक भी दंगा नहीं हुआ, मानते हैं ना? और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए। श्री खापू तिवारी आज आपके बीच प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी यहां पर आरती तिवारी भाजपा की प्रत्याशी के रूप में आपके बीच है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आप सबसे अपील कर रही है कि सभी अयोध्या जनपद की सभी 5 सीटों पर 500 वर्षों का इंतजार डबल इंजन की सरकार ने आपका समाप्त करवाया है, तो कम से कम 5 सीटें भाजपा के खाते में तो यहां की आनी चाहिए ना, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये राम मंदिर का निर्माण क्या सपा के लोग कराएंगे? बसपा के लोगों से उम्मीद है? कांग्रेस से उम्मीद है? तो फिर 5 सीटों पर कमल चुनाव चिन्ह, क्या चुनाव चिन्ह है? कमल, कमल चुनाव चिन्ह पर श्रीमती आरती तिवारी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग सड़क के उस पार बंधे पे जो लोग खड़े हैं, गलियों में, इधर की गलियों में, सभी लोग, सभी लोग सहमत है ना? भारी बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी